वैज्ञानिक अक्सर ऐसी खोजों में या फिर ऐसी चीजों को बनाने में लगे रहते हैं जिनके गुणों को देखकर हम अपनी आंखों पर भरोसा नहीं कर सकते। फिर चाहे वो ऐसा पानी हो जिस पर इंसान चल सकते हैं या फिर ऐसी सैंड हो जो पानी में घुलती ना हो। इस दुनिया में कुछ ऐसे मटेरियल भी मौजूद हैं जिन्हें देखकर आपकी आंखें चमक उठेंगी। सो नमस्कार दोस्तों, नॉक सबके फ्रेश कमाल एपिसोड में एक बार फिर से आपका बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में साइंस का हम एक ऐसा चमत्कार देखेंगे कि आपका दिमाग चकराने पर मजबूर हो जाएगा। तो फिर चलिए बिना किसी भी देरी के शुरू करते हैं। दोस्तों, ये आदमी जो केमिकल स्प्रे कर रहा है इसे पॉलीयूरिया कहते हैं। इसको मुख्य रूप से दो कंपोनेंट आइसोसाइनेट और पॉलियोल को मिलाकर बनाया जाता है। हथौड़े से मार खाने के बाद भी अपनी पकड़ बनाए रखने वाले इस कंपोनेंट की खास बात यह है कि यदि आप इसे किसी भी सरफेस पर हाई टेम्परेचर और प्रेशर के साथ छिड़कते हैं तो सिर्फ 20 मिनट्स में ये लिक्विड स्टेट से 100% सॉलिड स्टेट में बदल जाता है। तेजी से सूखने के साथ साथ इसकी एक खासियत और भी है और वो है 400% फ्लेक्सिबिलिटी। इस कंपोनेंट को जिस भी सरफेस पर अप्लाई किया जाता है उस सरफेस के मॉलिक्यूल्स आपस में काफ़ी तगड़ा बॉन्ड बना लेते हैं जिसे अलग कर पाना काफ़ी मुश्किल होता है। पॉलीयूरिया का इस्तेमाल सरफेस को वाटरप्रूफ, मजबूत और जंग से बचाने के लिए किया जाता है। दोस्तों, ये एक सर्किट स्क्राइब है जो एक तरह की कंडक्टिव सिल्वर इंक है। इस इंक से आप किसी भी पेपर पर एक सर्किट को ड्रॉ कर सकते हैं और उसको टेस्ट भी कर सकते हैं। इस इंक की मदद से बच्चे कॉम्प्लेक्स सर्किट को भी बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। अगर आप इसे खरीदना चाहते हैं तो अमेज़न पर जाकर इसे खरीद सकते हैं। अभी जो कारनामा आप देख रहे हैं उसे लुबो लेंस कहते हैं। ये एक प्रकार का फ्रेसनेल लेंस है जो पुराने टीवी आदि में पाया जाता था। इसकी सतह पर सैकड़ों छोटे छोटे प्रिज्म होते हैं जो कुछ हद तक पोलराइजर की तरह काम करते हैं, यानी एक एक्सिस की लाइट को डायरेक्ट पास करते हैं और दूसरी एक्सिस को डिफ्यूज करते हैं, मतलब कि एक तरफ की चीज पूरी तरह से गायब हो जाती है। अगर आप इसे पहली बार देख रहे हैं तो आपके लिए ये एक जादू से कम नहीं है। होली का त्यौहार जब भी आता है तब लोगों को कपड़े खराब होने और भीगने की काफ़ी टेंशन होती है, लेकिन अगर हम आपसे कहें कि इस दुनिया में ऐसे कपड़े भी मौजूद हैं जो कभी गीले ही नहीं होते, और सिर्फ कपड़े ही क्यों, इस मटेरियल की कोटिंग जिस भी सरफेस पर की जाती है वो कभी भीग ही नहीं सकता, चाहे वो कागज़ हो या फिर कोई भी डिवाइस। आप जो देख रहे हैं वो कोई रबर के बॉल्स नहीं है बल्कि पानी की बूंदें हैं जिन्हें ये कपड़ा बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। दरअसल ये प्लाज्मा ट्रीटेड हाइड्रोफोबिक फैब्रिक है। हाइड्रो मतलब पानी और फैब्रिक मतलब नापसंद करने वाला। आसान शब्दों में इस कपड़े को गीला करना काफ़ी मुश्किल है। असल में 1970 के दशक में कमल के पत्तों को ऑब्जर्वेशन में रखकर इस टाइप के मटेरियल को बनाया गया था। कमल के पत्तों की एक खासियत है कि उसका पत्ता पानी में नहीं डूबता और अपने ऊपर भी पानी की बूंदों को टिकने नहीं देता। इसी प्रकार जब हम सैंड को हाइड्रोफोबिक कंपोनेंट से ट्रीट करते हैं तो हमें हाइड्रोफोबिक सैंड यानी मैजिक सैंड मिलती है, जिसे आप पानी में कितना भी डुबो दें लेकिन ये कभी गीली नहीं होती, जो देखने में काफ़ी सेटिस्फाइंग होती है। अगर आपको स्नोफॉल पसंद है लेकिन आपके यहाँ बर्फ नहीं गिरती तो फिक्र मत कीजिए, बल्कि अपनी खुद की बर्फ बनाइए। वीडियो में दिख रहा पॉलिस्नो सुपर एब्जॉर्बेंट पॉलीमर पदार्थ के रूप में जाना जाता है। जब आप इसमें पानी मिलाते हैं तो अपने वजन से कई गुना ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है और कुछ ही सेकंड्स में अपने साइज से 100 गुना ज़्यादा एक्सपेंड हो जाता है और स्नो जैसा रूप ले लेता है। ऐसा इसलिए होता है कि पानी मिलने से पॉलीस्नो पदार्थ की पॉलीमर चेन में काफ़ी तेजी से एक दूसरे के साथ क्रॉस लिंकिंग होने लगती है, जिसके बाद पानी डालने से लिक्विड या जेली स्टेट के बदले सॉलिड स्टेट में बदल जाता है। इसका इस्तेमाल डायपर, हेयर जेल इत्यादि में किया जाता है। अगले रोमांचक मटेरियल निटिनॉल की प्रॉपर्टीज देखकर हमारी तरह आपकी आंखें भी खुली की खुली रह जाएंगी। दरअसल निकिल और टाइटेनियम नाम के दो मटेरियल को समान मात्रा में मिक्स करके निटिनॉल बनाया जा सकता है। इस मटेरियल की खासियत यह है कि
आप इसको कितना भी मोड़ लें, लेकिन जब ये हाई टेम्परेचर लिक्विड या गैस स्टेट वाले पदार्थों के कॉन्टेक्ट में आता है तो इसके बीच हीट एक्सचेंज होती है, तब यह फिर से अपने नॉर्मल शेप में वापस आ जाता है। निटिनॉल की इस प्रॉपर्टी को मेमोरी इफेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। निटिनॉल का इस्तेमाल बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे मैकेनिकल और रोबोटिक्स में किया जाता है। दोस्तों, दुनिया भर में प्लास्टिक पॉल्यूशन काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है और ये सबसे ज़्यादा पानी, कोल्ड ड्रिंक और जूस की बॉटलों की वजह से होता है। इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नॉटप्ला नाम की कंपनी लेकर आई है। उन्होंने ओहो नाम की एक ऐसी झिल्ली बनाई है जो किसी भी प्रकार के तरल को अपने अंदर स्टोर कर सकती है। ओहो को समुद्री सिवार और समुद्री पौधों से बनाया जाता है और खास बात यह है कि यह मटेरियल कुदरती तौर पर बायोडिग्रेडेबल है और खाने के योग्य है, यानी कि ओहो में रखी किसी भी ड्रिंक को पीने के लिए आपको इसे मुंह में रखकर सिर्फ चबाना होगा। इससे पैकेजिंग में इस्तेमाल किए जाने वाले प्लास्टिक को जड़ से खत्म किया जा सकता है। अगर आप पानी में छलांग लगाते हैं या फिर उसमें चलते हैं तो आपके पैर उसके अंदर जाएंगे ही जाएंगे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि नॉन न्यूटोनियन नाम के भी फ्लूइड होते हैं, जिनकी खासियत ये होती है कि अगर आप इस पर कुछ भी जोर से फेंकते हैं तो ये सॉलिड की तरह बिहेव करते हैं, और अगर वहीं आप इसमें धीरे से कुछ भी डुबोते हैं तो ये लिक्विड की तरह बिहेव करते हैं, यानी ये न्यूटन्स के लॉ को फॉलो नहीं करते। जैसे कि आप इन लोगों को देख रहे हैं, ये लोग कितनी आसानी से इस फ्लूइड पर मस्ती कर रहे हैं और इसमें डूब भी नहीं रहे। यही खासियत होती है नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स की। दोस्तों, बताने के लिए फैक्ट्स तो मेरे पास और भी हैं, लेकिन उनके बात करेंगे हम अगले एपिसोड में। आज के एपिसोड को हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ कि आज के ये साइंस से रिलेटेड फैक्ट्स आपको काफी पसंद आए होंगे और इनसे आपको कुछ ना कुछ जरूर सीखने को मिला होगा। चैनल को सब्सक्राइब करके और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करके इस नॉलेज को आप और भी बढ़ा सकते हैं। अब आपसे मुलाकात होगी अगले एपिसोड में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।